एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। और अभी हम लोग, आप लोग जैसे सबको लग ही रहा होगा फील कि मैंने इतना कुछ पहन लिया है कपड़े, तो हम ऑब्वियसली हम लोग शिमला पहुंच गए हैं वापस। हम लोग आ गए थे कल शाम को ही, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे और हम गए थे करण करुणा के पास, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अब व्लॉग कल से शुरू करेंगे, बिकॉज वी वर वेरी टायर्ड। तो आज मुझे कुछ काम है, आज संडे है, 25th है आज और संडे है, मुझे कुछ काम है। कालीबाड़ी जाना है मुझे, कालीबाड़ी हॉल में कोई फंक्शन है तो वहाँ जाना है अटेंड करने के लिए। और ये जा रहे हैं घर रोडू वापस, तो मैं अभी रुकूंगी क्योंकि मेरी कज़न की शादी है अभी बहुत जल्द, यहाँ मतलब अभी 1-2 तारीख को शादी है दीदी की, तो फिर इसलिए मेरे को तो रुकना पड़ेगा। ये फिर उसी टाइम आएंगे, इनको थोड़ा सा काम है घर जाके, तो ये इसलिए घर निकल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जा रही हूँ आज कालीबाड़ी हॉल, तो मैं क्यों जा रही हूँ ये मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। वहाँ पे है एक अवार्ड फंक्शन और अभी थोड़ी मतलब हम थोड़े जल्दी हैं क्योंकि वहाँ पे अभी जो वहाँ के चीफ गेस्ट हैं वो नहीं पहुँचे हैं, तो हमने सोचा कि अभी हम अंदर जाके क्या करेंगे। तो मेरे साथ और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ, जिन्हें देख के आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आप लोगों के बहुत बड़े, आप लोग जानते हैं उनको, बहुत बड़े स्टार्स हैं दोनों ही जो मेरे साथ हैं। और छोटे ये नहीं, सबसे बड़े स्टार हमारे पास पहले ये है, ठीक है। अब हम आपको मिलवाते हैं कि एक्चुअल में मैं आपको किससे मिलवाना चाहती थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं अजय सर, रुक जाओ सर, दो यही सर है स्टार कैंसर, कैंसर सर आपसे कंट्रोल ही नहीं होता सर, थोड़ी देर रुक जाओ, बोलने तो दो। तो हनी नेगी सर हैं मेरे साथ और अजय सर हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं दोनों को ही, तो अब मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ। तो आप लोग मिल सकते हैं, पहले हम अजय सर से बात करेंगे। सर मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे अवार्ड फंक्शन के लिए, मैं भी आया था और मुझे हनी भाई मिले और शिवानी ठाकुर जो मेरी बहन यहाँ पे मुझे मिली, और इनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करा हमने यहाँ पे बैठे, हमने चाय कॉफ़ी पी थी आशियाना में। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पेज है शिवानी ठाकुर का, इस पर बहुत सारे आप देख रहे हो कल्चर से रिलेटेड सारी वीडियोस आती है, और आज मैं पहली बार इस पेज से आ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग मुझे चाहते हो और आप लोग इस पेज को फॉलो करें। और आज हनी भाई बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं शायद, बिल्कुल सालों बाद, बहुत ही अच्छा लगा कि एक मतलब बोलते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद जरूर मिले, लेकिन एक अच्छा जो होता संजोग एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हनी भाई आप बोलते हैं कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, और जैसे आप जा रहे हो भगवान करे कि आप उससे कहीं उन्नति पर जाएं, और बस इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, इतने सारे शब्द बोले मुझे बड़ा अच्छा लगा, और थैंक यू शिवानी ठाकुर जी का जो कि हमेशा बहुत बहुत अच्छे इस पे लेवल पे काम करते और हमारे कल्चर को इतना अच्छे से मतलब आगे दिखाते और इतना अच्छा प्रमोट करते, थैंक यू सो मच ठाकुर साहब। और थैंक यू अजय भाई का जिन्होंने बहुत हिट पे हिट गाने दिए और मिलियंस पे मिलियंस क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल पे रिकॉर्ड बना रहे, लव यू भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लिखते खुद है, सारी चीज़ें खुद करते हैं, और आप जब मिलोगे ना इनसे तो आपको ऐसा शरीफ आर्टिस्ट मिलेगा, मतलब इतने डाउन टू अर्थ, बिल्कुल। और हमें अच्छा लगता है जब आर्टिस्ट मिलते हैं, हम अपनी बहुत सारी गपशप होती है हमारी, बहुत सारी बातचीत होती है, और अच्छा लगता है, और आर्टिस्ट को ऐसे ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो बस हर बार यही करता हूँ आर्टिस्ट से भी, मैं यही बात करता हूँ कि भाई एकजुट हो जाओ और मिल कर रहो, काम आपको बिल्कुल आपको मुकाम पे ले जाएगा, आप अच्छा काम करो आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया। और अवार्ड फंक्शन में हम आए और थोड़ी सी ठंड भी है शिमला में और ठंड भी लग रही है, बट हम इतनी सारी बातचीत कर चुके हैं, म्यूजिक माहौल भी हमने बहुत सारा बनाया अच्छा सा, बहुत सारी रील्स भी हमने बनाई, वीडियोज भी कई शूट किए, तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिलेगी। थैंक यू सो मच, पहली बार एक रील भी मिलेगी हमारी अलग सी, हमने अलग सी रील मिलेगी, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग उसको फॉलो करें और उसे लाइक करें और पेज को जरूर फॉलो करें आप लोग, थैंक यू। तो अभी हमें पता चला कि चीफ गेस्ट वहाँ पहुँच गए हैं, तो इसलिए अब हम लोग भी जाते हैं। गेस्ट में आज और अभी आप लोगों ने सुना कि अजय सर और हनी नेगी सर ने ये बोला कि जो आर्टिस्ट है ना उनको मिलकर रहना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पे ये हिमाचल में इस चीज़ की कमी है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं सभी की बात कर रही हूँ, फिर चाहे वो सिंगर्स हैं, वो मॉडल्स हैं, या जो भी हैं, जितने भी आर्टिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स या जो भी सारी चीजें हैं, तो ये सब लोगों को ना इकट्ठे मिलके रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा उसकी टांग नीचे खींचे, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर लोग एक जुट बनाकर रहेंगे ना, तो हिमाचल को हम कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं, ऐसा मेरा भी मानना है। बट वही है कि कमी हम सब में ही है, मैं इंक्लूड करती हूँ खुद को भी, हो सकता है मेरे में भी कमी हो।
आप लोग सम्मानित करें और मैं अपनी टीम से चाहूंगा कि शिवानी को, क्योंकि हमारा मोटिव भी हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना है और ये बहुत बेहतरीन काम कर रही है, मैं चाहूंगा कि इनको एक ट्रॉफी राम मंदिर की भी हमारी ओर से भेंट की जाए। मैं चाहता हूँ कि एक ट्रॉफी राम मंदिर की भी हमारी ओर से भेंट। पूर्णवसर में ये शिमला जिला कोटखाई की रहने वाली है, ये भी सिंगर है, ये भी अपनी गायकी के माध्यम से इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी है। पूनम सर मैं शिमला जिला कोटखाई की रहने वाली भी। अब लग रहे ना बढ़िया सर, उफ उफ चले गए पीट करके, अब लग रहे आप अच्छे। सामान उठाओ सारा, वो रख दिया आपने वहाँ, क्या गाइस? एक ही मिला है, मुझे तीन मिले क्योंकि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ। देखिए पहले ये भी आपकी थी, पहले ये गाइस सिंगर, इनको विश्वास नहीं था कि मैं सिंगर हूँ, फिर से पढ़ रहे दिया, खुद ही पढ़ रहे। फिर ये, फिर इन्होंने और एक सिंगर का दिया, इन्होंने बड़ा बहुत बार अच्छा गाया, ये तो बहुत बार अच्छा गाया। फिर इनको फिर नहीं विश्वास, फिर उन्होंने मेरे को फिर बनाया, ये तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे प्यार देते हैं, ये भी दिया गया, ये ब्लेसिंग्स के लिए, मेरे पास बहुत सही चीजें हैं और ये इनकी है। तो अभी हम लोग अवार्ड फंक्शन में गए थे, काफी लोग मिले हमें वहाँ पे, काफी सारे आर्टिस्ट आए थे और अभी हमारा घर जाने का टाइम आ गया है, तो मैं तो अपने भाई के साथ निकलूंगी, वो मुझे लेने आएगा, एक्चुअली लेने नहीं आएगा स्पेशली, वो आ रहा है वापस कहीं से, मतलब चंडीगढ़ से जब हम आए थे तो वो नहीं आया था साथ, तो अब उसके साथ मैं घर निकलूंगी और अभी मैं आप लोगों से मिलवाना चाहूंगी पूनम जी को, पूनम सरमेक जी जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं हमारे, तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ अभी। हाय, हेलो, मैं आपको पूनम जी के बारे में बताती हूँ, इनके साथ मैंने एक गाना किया हुआ है जिसमें मैंने एक सॉन्ग किया था, इनका गाना था, तो उस टाइम से लेकर मैं इनको जानती हूँ, आई थिंक ये मैंने शादी से पहले किया अपनी, तो मतलब 2-2.5 साल तो हो गए इस गाने को, दो साल हाँ कुछ ऐसा है, तो अभी हम लोग बहुत जल्द एक और गाना साथ में करने वाले हैं, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें, और इनका गाना आ रहा है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है, तो इनफैक्ट मैंने इनको अभी बताया कि इनका एक बहुत पुराना गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, काली बादली, वो जाके आप भी ज़रूर सुनना क्योंकि वो बहुत अच्छा गाना है, इनफैक्ट मैं एक रील पोस्ट करने वाली हूँ तो डेफिनेटली देखना। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी आप इनको भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पूनम सरमेक जी को, मेरे साथ मैं जब टैग करूंगी तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, फिलहाल घर चलते क्योंकि हम लोग, हमारे को शेरा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा वाली है। चलो तो पहुंच गई मैं घर, और क्योंकि आप लोगों को अपडेटेड रखना होता है तो इसीलिए मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, साथ में आप लोगों को पता है लिबास पर सेल चल रही है, नेक्स्ट लेवल सेल चल रही है, मतलब एक मैंने वो मंगवाया है अपना नाइट सूट सा, कोऑर्ड सेट है बेसिकली, नाइट सूट की तरह यूज़ करना चाहो नाइट सूट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप उसको ऐसे कोऑर्ड सेट आप अगर बाहर जाने के लिए यूज़ करना चाहते तो वैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने मंगवाया, वो था आई थिंक इसका एक्चुअल प्राइस कितना, मैं देख के बताती हूँ ना, एक मिनट रुकना बस। तो इसका जी एक्चुअल प्राइस क्या है, अरे दिखा भी दो, इसका एक्चुअल प्राइस है 2000 रुपीज और ये मुझे पड़ा है सिर्फ 525 का, तो मैं आप लोगों को इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी लिबास पे, जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी जिनमें से कुछ मैंने भी मंगवाई हैं, तो उनके लिंक्स डाल दूंगी, जो कि आपको मतलब 70% तक का डिस्काउंट लिबास पे चल रहा है आजकल, और अगर आप उसमें एक कूपन कोड या तो विशलिंक का कूपन कोड WISHLINK ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नए कस्टमर हैं तो वेलकम 10 का कोड अगर यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली उस पर डिस्काउंट्स मिलेंगे, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो डेफिनेटली चेक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जितनी भी गर्ल्स हैं कि उन्होंने क्या ऑर्डर किया। ठीक है, तो बढ़िया है, जाओ, बहुत सही है। नाउ लेट्स सी कि मेरा कैसा आता है, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सा ऑर्डर किया, एक्चुअली मैं स्क्रीन पर यहाँ अटैच कर दूँगी कि मैंने कौन सा ऑर्डर किया, तो वो बहुत ही प्रिटी है, और 2-3 ऑप्शंस और आपको दे दूंगी, अगर आप चाहते हैं कि स्पेशली मैं अलग से आपके लिए इसके लिए एक वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी मेरा भाई जस्ट पहुंचा है तो अब हम डिनर करेंगे, और यहाँ शिमला में मुझे ठंड लग रही है, गोवा से आगे ज़्यादा ही लग रही है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा गर्मी में रह गए, अब तो मुझे डाउट है मैं बीमार भी हो सकती हूँ, तो बाकी मैं आपको होम टूर कराऊंगी बहुत जल्द अपने घर का, यहाँ का शिमला वाले घर का, मम्मा पापा वाले घर का, मायके का बहुत जल्द, तो उसके लिए आप लोग ट्यून्ड रहें। अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर